हेलो दोस्तों, आज खेला जाएगा आईपीएल का 19वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी फैंटेसी टीम होगी जिसे आप बना के जीत सकते हैं। इससे पहले हमें जानना होगा कि कौन सी जगह पर यह खेला जाएगा मैच, क्या है पिच रिपोर्ट, क्या है टीम न्यूज और साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। मैदान की बात करें तो यह मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में और इस स्टेडियम की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे 180 प्लस के स्कोर्स देखने को मिले हैं अब तक जो दो मुकाबले हुए हैं इस आईपीएल के दौरान। और आज के मैच में भी उम्मीद है कि 180 से 190 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। और यहाँ के पिच की बात करें तो पिच थोड़ी सी यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, इनिशियली थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है और उसके बाद बैटिंग के लिए आसान हो जाती है पिच और बड़ी बाउंड्री होने के कारण स्पिनर्स भी विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं इस मैच में। टॉस की बात करें तो जो भी टीमें टॉस जीतेंगी पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगी, दूसरी पारी में ड्यू के चांसेस हैं और दूसरी पारी में बैटिंग करना आसान हो जाएगा। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले दो दिनों से मौसम काफी खराब है, तो आज के मैच में भी बारिश की संभावना है, तो इस कारण से भी चेज करना चाहेगी टीम ताकि डीएलएस मेथड के आधार पर उन्हें स्कोर का पता लग सके। राजस्थान रॉयल्स की टीम न्यूज की बात करें तो सारे प्लेयर्स फिट हैं और अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए और इस मैच में एक चेंज देखने को मिल सकता है। संदीप शर्मा जो पिछले मैच में अनफिट थे और गेम को जिन्होंने मिस किया था इस मैच में वापस लौट सकते हैं। आरसीबी की टीम न्यूज की बात करें तो आरसीबी के सारे प्लेयर्स भी फिट हैं और अवेलेबल हैं और उन्होंने अब तक 3 मैचों को हारा है, तो आज के मैच में भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और आज के मैच को आरसीबी की टीम जीतना चाहेगी। चेंजेस की बात करें तो कोई भी चेंजेस की उम्मीद नहीं है इस मैच में। राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की बात करें, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, सैमसन आएंगे 3 नंबर पे, इसके बाद आएंगे रियान पराग जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमेयर, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, नांद्रे बर्गर, आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आज आपको शुभम दुबे या फिर उनके जगह पे संदीप शर्मा दिख सकते हैं। और आरसीबी के प्लेइंग 11 की बात करें तो फैब डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, इसके बाद आएंगे कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल, रजत पटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, रिस टॉपली, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिखेंगे महिपाल लोमरोर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे फैंटेसी टीम की। तो आज के विकेट कीपर्स की चॉइस हैं संजू सैमसन। जॉस बटलर को हमने अपनी टीम में नहीं लिया है क्योंकि जॉस बटलर का फॉर्म इस वक्त अच्छा नहीं है और आप उन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं। बैट्समैन में हैं विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस, यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर्स में हमने लिया है रविचंद्रन अश्विन, ग्लेन मैक्सवेल, रियान पराग और कैमरून ग्रीन को। बॉलर्स में हमने लिया है युजवेंद्र चहल। स्पिनर्स को आज के मैच में विकेट मिलने की पूरी संभावना है, ट्रेंट बोल्ट और रिस टॉपली। कैप्टन हमने बनाया है विराट कोहली को और वाइस कैप्टन रियान पराग को। आप अपनी चॉइस से कैप्टन और वाइस कैप्टन बदल सकते हैं। टॉस के बाद आप अपनी फाइनल टीम बना के खेल सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस टीम को देखते हुए अपनी टीम बनाएंगे और इसी तरह खेलते रहिए और जीतते रहिए।